हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरीश प्रोजेक्ट्स। और मेरा नाम है हरीश चौधरी, आपको तो पता ही होगा। सो बताना मेरा काम है और सुनना आपका काम है, डोंट माइंड। आज हम बनाएंगे ये एक यूनिक साइंस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को अगर आप अपने साइंस एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं और आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से देते हैं तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिलेक्ट हो सकता है और विनर भी बन सकता है। सो ये है एक ट्रेन एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का बनाने का रीजन ये है कि कई लोग जो होते हैं वो ट्रेन के पटरियों पर चलते रहते हैं, फोटो खिंचाते रहते हैं, फोटोग्राफी करते रहते हैं, और कई लोग तो ट्रेन के पटरियों पर बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, इसी के चलते हुए ट्रेन आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक बार लॉकडाउन के समय न्यूज़ भी आया था कि कई मजदूर लोग प्लान कर रहे थे अपने घर के लिए, इसी टाइम वो रिलैक्स करने के लिए ट्रेन के पटरियों पर सो गए थे, जिससे कि ट्रेन आने पर उनकी एक्सीडेंट हो गया और इसमें कोई भी नहीं बच पाया। सो इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाया हुआ है, और ये प्रोजेक्ट इन एक्सीडेंट्स को कम करेगा, और ये प्रोजेक्ट एनिमल्स के लिए भी है। सो इसका वर्क कुछ इस तरह से है। सो मैंने ये एक ट्रेन बनाया हुआ है, ट्रेन का मॉडल। सो ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन से 200 मीटर की डिस्टेंस पर ये LED लाइट्स और बजर बजता रहेगा। सो मतलब मेंटेन बनाए रखेगा 200 मीटर की डिस्टेंस पर, और ये सभी LED लाइट्स जलता रहेगा, जिससे कि जो लोग होंगे उनको पता चल जाएगा कि 200 मीटर की डिस्टेंस पर इस रूट में ट्रेन आ रही है, और वो अलर्ट हो जाएंगे और वो उस रूट से हट जाएंगे, जिससे कि एक्सीडेंट नहीं होगा। और इसमें मैंने ये बजर भी लगा रखा है, जिससे कि जो जानवर होंगे वो इसका आवाज़ सुनकर वो डर कर हट जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है, और इसको बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और आप चाहे तो इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसका आइडिया ढूंढने के लिए मैं बहुत जगह घूमा भी, मुझे घूमने के बाद और मेहनत के बाद आइडिया मिला और मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया। सो आप तो इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बनता है। सो आपको बस इतना करना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर लें बेल आइकन को। और आप चाहे तो मुझे Instagram में भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैंने ID इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट का मॉडल बनाएंगे, और इसका मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर मैं सनबोर्ड शीट्स का यूज़ कर रहा हूँ, और आप चाहें तो कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मॉडल बनाने के बाद हम यहाँ पर Arduino कनेक्शंस देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रेन का मॉडल और ये रूट भी बना रखा है। सो इसको हम प्लास्टिक मॉडल भी बोल सकते हैं, और इस मॉडल को बनाने के लिए मैंने सनबोर्ड शीट का यूज़ किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने इन रूट्स के साइड में ये एक छोटा सा पिलर लगा रखा है। सो इसी पिलर्स में हम LED लाइट को कनेक्ट करेंगे। सो ये है मेरे पास कुछ LED लाइट्स, और इन LED लाइट्स में मैंने पहले से वायर सोल्डरिंग कर रखा है, और इन LED लाइट्स के साथ हमें ये बजर भी कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर जितने भी LED लाइट्स और बजर्स हैं उन सभी के नेगेटिव वायर्स को मैंने एक जम्पर वायर से कनेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उनके पॉजिटिव वायर्स को मैंने कुछ इस तरह से पिन
सोल्डरिंग कर रखा है। नेगेटिव वायर को हमें आर्डिनो के GND से कनेक्ट करना होगा और इन सभी पिन को हमें आर्डिनो के एनालॉग वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने LED लाइट्स और बजर्स का कनेक्शन कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन करने वाले हैं। अल्ट्रासोनिक का जो VCC वाला पिन होगा उसे हमें आर्डिनो के 5 वोल्ट वाले पिन से कनेक्ट करना होगा। ट्रिगर को हमें पिन नंबर 12 में कनेक्ट करना होगा, इको को पिन नंबर 13 में और GND को आर्डिनो के GND से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसको बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है। इस मॉडल को बनाने के लिए इसका वायरिंग कनेक्शंस में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और सबसे बड़ा बात यह है कि मैंने इसका आइडिया कहाँ से लाया, किस तरह से मैंने ढूंढा। आइडियाज़ ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर सिटी में ही अपने रेलवे स्टेशन गया था। प्रॉब्लम यह है कि आप इस वीडियो को देखकर आपको इजीली ये आइडिया मिल जाएगा, आपको कोई मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आप इसको उसके बाद अपने साइंस एग्जीबिशन में भी लेकर जा सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट भी हो जाएगा। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत तो मुझे लगा है क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट का आइडिया ढूंढा, इसको बनाया, कनेक्शंस डायग्राम और इस मॉडल को भी बनाया। इन सब में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी कुछ अपने तरफ से कोई आइडियाज़ ढूंढने का कोशिश करें, कॉपी पेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा फ़ायदा तभी होगा जब इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इतना ही कहना था मुझे आपसे, तो चलिए हम इसका वर्किंग टेस्ट करते हैं। इसका वर्किंग कुछ इस तरह से है, जैसे ही कोई ट्रेन आता है ट्रेन के 200 मीटर के डिस्टेंस पर ये LED लाइट्स ग्लो करेगा और ये जो बजर है वो भी बजेगा, जिससे कि जो लोग होंगे पटरियों पर वो अलर्ट हो जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि इस रूट में कोई ट्रेन आ रही है, जिससे कि वो पटरी से हट जाएंगे और इससे फ़ायदा यह है कि जो एक्सीडेंट होता है वो नहीं होगा। ये जो LED लाइट्स है ये ट्रेन से 200 मीटर की दूरी पर ये जलते रहेंगे और ट्रेन से डिस्टेंस बनाकर, और यहाँ पर मैंने ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया हुआ है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही साइंस प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।